हैप्पी हड़ी एंड हील जो फिल्म देख के आप आ रहे हैं उसके बारे में बताइए, कैसी लगी? अच्छा लगा। एंड कहानी की बात की जाए तो कहानी कैसी लगी? कहानी लव स्टोरी है, थोड़ा कॉमेडी है, अच्छा है। एंड हिमेश का काम कैसा लगा? अच्छा है। गाने की बात करें तो गाना कितना पसंद आया? पहले से ही गाना पसंद आ रहा था? गाना पहले से पसंद आ रहा था, अच्छा है गाना भी, म्यूजिक भी अच्छा है, सब अच्छा है। कितने स्टार देना चाहेंगे पाँच में से? क्या फाइव स्टार में से कितने स्टार देंगे? फाइव स्टार। थैंक यू। ओके फिल्म तो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी मूवी है। कहानी एक्चुअली देखा जाए तो ये नॉर्मली हर कोई अपनी लाइफ से रिलेट कर ही सकता है, तो हिमेश सर की अगर एक्टिंग की बात की जाए तो हिमेश सर एज एन एक्टर उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए, जो उनकी फर्स्ट मूवी थी आपका सुरूर उससे लेके जो इनकी 10th फिल्म है तो हैप्पी हार्डी एंड हीर उसमें उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है, और जैसे कि क्रिटिक्स ने भी उनको उनके रोल के लिए जो उन्होंने द एक्सपोजर में किया था उसके लिए भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा उन्होंने रोल किया है। इमोशनल सीन्स भी है जहाँ मैं तो रो दी थी उनको देख के, तो आई वुड सजेस्ट कि देखें। अगर स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी कितनी पसंद आएगी ऑडियंस को और आपको कितनी पसंद आएगी? मुझे तो बहुत पसंद आई है स्टोरी, मैंने कहा ना कि अगर कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल है ना तो वो ज़रूर अपनी लाइफ से कनेक्ट करेगा। और डायरेक्शन कितना पसंद आया? रावका जी की डायरेक्शन तो ऑसम है, उसमें हर एक कैरेक्टर का अपना अलग रोल है और उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है। सॉन्ग्स तो सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर। टोटल 5। सबसे पहले तो फिल्म कैसी लगी आपको? हैप्पी हार्डी एंड हीर। हैप्पी हार्डी हीर जो है मुझे बहुत पर्सनली कमाल की फिल्म लगी, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हिमेश सर ने, और फिल्म की हीरोइन जो है बहुत अच्छी खूबसूरत लगी हैं, नो डाउट वो बहुत ही क्यूट हैं पूरी पिक्चर में जो है, थ्रू आउट उन्होंने अच्छी केमिस्ट्री बना के रखी है, बहुत ही जेन्युइन सा उन्होंने जो है कैरेक्टर प्ले किया है सोनिया मान ने, उनका चाहे वो पहला प्यार हो और चाहे वो हैप्पी के साथ हो या हार्डी के साथ हो, सो बहुत ही कमाल की फिल्म है, बड़ी कॉमेडी है, बड़ी पंचिंग लाइन बड़े अच्छे हैं, और हिमेश सर ने बहुत ही अच्छा जो है एफर्ट्स लगाया है, आई थिंक वो हैप्पी जो है वाकई उनको सूट करता है, वो जो डेफिनेशन आती है इंसान, एक बहुत अच्छे कलाकार ने कहा था विच इज़ चार्ली चैपलिन, यू नो जो सबसे ज़्यादा दुखी होता है इंसान वो जो सबसे ज़्यादा खुश होता है, एटलीस्ट दुनिया में खुशी जो है वो दिए जाती है, सो वो उनको जो है बहुत अच्छा सूट किया है, उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत की है। और इस फिल्म के बेस्ट और इस फिल्म का बेस्ट पार्ट आई थिंक इस फिल्म का बेस्ट पार्ट ये था कि वो हैप्पी जो है अपने प्यार को पाने के लिए जो उसने जो शिद्दत रखी है और सारी दुनिया से लड़ता गया, चाहे वो खुद से भी हो चाहे वो जिसे प्यार करता हो उससे भी हो, सो ये खूबसूरत चीज़ मुझे लगी। और हार्डी का जो है सेक्रीफाइस है वो भी जो काफ़ी बहुत अच्छा है, बाकी आप मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों को जाके पिक्चर देखें और या बाकी कहानी के साथ में गानों की अगर बात की जाए तो गाने कैसे लगे? वेल गाने बहुत सारे गाने हैं और एक गाने की तारीफ नहीं कर सकता, बल्कि बहुत ही सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, अरिजीत सिंह सर ने भी गाया है और आई थिंक जुबिन नोटियाल इज ऑल्सो दैट एंड हिमेश सर खुद ने गाए, इतने वैरायटी ऑफ गाने जो हैं, आई थिंक इट्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एल्बम मैं ये कह सकता हूँ अब तक की हिमेश सर के सारे फाइनेस्ट, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। कितने स्टार देना चाहिए लास्ट में? मैं फिल्म को देना चाहूँगा 7 out of 10। या आउट ऑफ 5? हाँ जी, आउट ऑफ 10। या सो अच्छा लगा। स्टोरी तो थोड़ा कम पसंद आया मुझे, उसके गाने अच्छे लगे, म्यूजिक। एंड हिमेश जी मेरे काम कैसा करा? उन्होंने भी अच्छा किया, उनका दोनों पार्ट मुझे अच्छा लगा, हीरोइन का भी काम अच्छा है, हीरोइन का थोड़ा और भी अच्छा है लुक वाइज। खास बात तो क्या बताऊँ, ठीक है अच्छी ठीक है, खास बात तो क्या है, और दूसरा पूछो। डायरेक्शन कितना पसंद आया आपको? टाइटल डायरेक्शन अच्छा है, सो टिकटॉक वाला बहुत अच्छा लगा, पाँच में से 4 बोला।
थैंक यू। ओके, कैसी लगी फिल्म आपको हैप्पी आर्डियन हीर? बहुत बेहतरीन। एंड हिमेश रेशमिया का काम कैसा लगा? हिमेश तो उमदा आदमी है, अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी है। एंड इसी के साथ में फिल्म में गाने हैं तेरी मेरी गाली जो ऑलरेडी काफी जी लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे, कैसा? नहीं, हिमेश तो बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं, हमेशा से रहे हैं, आगे क्या पता, नहीं पता मेरे को कि कैसा गाना बनाएंगे, मगर फिल्म बहुत अच्छी है, देखने लायक है, पब्लिक को देखनी चाहिए। एंड 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 6.5। थैंक यू।